नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली न्यूज और आज हम आए हुए हैं जो किसान पारंपरिक खेती से हटके फूलों की खेती करते हैं उस किसान के खेत पर हैं हम आज। और ये जो आप देख रहे हैं ये गुलाब की फसल है, ये गुलाब के पेड़ हैं जो किसान लगाते हैं, जो आप देखते हैं शादी ब्याह में और गुलदस्तों में यूज होता है गुलाब, ये गुलाब की फसल है। ये देखिए ये खेत है गुलाब का और ये देखिए ये गुलाब लगा हुआ है। तो हम अभी बात करेंगे इस खेत के किसान से और जानेंगे कि इस लॉकडाउन में उनकी खेती किस प्रकार से प्रभावित हुई, फूलों की खेती स्पेशल, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये गुलाब के फूल की खेती देख लीजिए, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, इसको लगाने में कैसे लगता है और इस चीज़ें बात करेंगे हम अभी आपसे, मुलाकात कराएंगे एक किसान से जो फूलों की खेती करते हैं। तो हमारे साथ हैं फूलों की खेती करने वाले किसान। तो सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम राम प्रसाद मौर्य है। राम प्रसाद जी, आप कितने सालों से ये फूलों की खेती कर रहे हैं? जी, ये होगा 20 साल। 20 साल से जी। तो ये जो गुलाब की खेती है जी, वो भी आप 20 साल से कर रहे हैं जी? और अच्छा, 10 साल से। और कौन कौन से फूलों की खेती करते हैं आप? पहले स्टार्टिंग में ग्लाडियस लगाते थे जी। ये फूल आप कहाँ बेचते हैं? ये फूल हमें लखनऊ ले जाना पड़ता है, रावली ले जाना पड़ता है जी, दो जगह जो है जी। और आप और कौन सा काम करते हैं, मतलब सजावट का भी काम करते हैं क्या? जी जी जी, डेकोरेशन का काम करते हैं, लेटेस्ट डिजाइन का जी, कपड़े और पिलापर का। और इसकी फूल की खेती भी करते हैं जी। तो अब की इस बार लॉकडाउन में क्या परेशानी हुई, सबसे पहली बात तो हमको ये बताइए। लॉकडाउन में सर बहुत परेशानी पड़ी, इतना ज़्यादा परेशानी कभी नहीं है। लॉकडाउन में जो ऊपर खर्च किया गया पैसा तो अभी भी शादी ब्याह तो नहीं हो रहे क्योंकि फूल तो आपके डेकोरेशन में ही लगाए जाते हैं और गुलदस्तों में लगाए जाते हैं। गुलाब की खेती है तो इसको जैसे मान ले कोई किसान धान गेहूं और ये जो पारंपरिक कृषि है इससे हटके करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या परेशानियां आती हैं, मतलब इस खेती को लेकर? तो बहुत ज्यादा परेशानियां है, तो लागत बहुत किसान है जो फूलों की खेती कर रहे हैं, मेचे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, उधर उदारी में एक पुष्प आच्छादित क्षेत्र है दबका, दबका बहादुरपुर है और इधर भिलाई कला है और तिलोई है और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लोग फूलों की खेती करते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये जो आपकी फसल दिख रही है गुलाब के फूल की, तो इसमें बीमारियां भी आती होंगी और भी कीटनाशक वगैरह क्या है, मतलब उसकी बात हमको बताइए आप जी। हफ्ते में 8 दिन 7 दिन में दवा ना स्प्रे किया जाता है।
अच्छा, ये जानवर जानवर भी इसमें नुकसान होता है क्या इनमें, क्योंकि यहाँ तो कांटे लगे हुए हैं? जी, जानवर तो ये नीलगाह से बहुत परेशानी है। मतलब नीलगाह से बचने के लिए किनारे किनारे ये जो बैरिकेटिंग की गई है, ये जो बैरिकेटिंग। अच्छा, जैसे एक बीघा कोई भी लगाता है तो उसको गुलाब लगाने में कितनी लागत आती है लगभग? इस समय तो लागत लगती है। अच्छा, जैसे मतलब मान लिया सीजन रहा तो लगभग कितने का मुनाफा एक किसान कमाया जा सकता है, मतलब एक बीघे में? बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। जी, तो जो धान गेहूं जैसी फसलें हैं, पारंपरिक फसलें, तो उससे बेहतर है या नहीं है? बेहतर तो बहुत है, लेकिन वजह से बहुत हाँ बिके, तो उन फूलों को किसानों ने किया क्या? अच्छा, मतलब जी, तो लगभग कितने का नुकसान हुआ आपकी इस बार, मतलब COVID-19 की वजह से? आपसे बात करके राबड़ी न्यूज़।